यूट्यूब चैनल्स। तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। बेसिकली इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसी के बेसिस पर आपको रेजोनेंस और कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास दो कंपाउंड होते हैं, एक तो पोलर होते हैं और एक नॉन पोलर होते हैं। पोलर, पोलर का मतलब दो पोल, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और नॉन पोलर जिसमें कोई पोल जेनरेट ना हो। तो हम एग्जांपल लेते हैं पोलर कंपाउंड और एक नॉन पोलर कंपाउंड की, और उसी में हम आपको इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट समझाएंगे। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं एक पोलर कंपाउंड का। तो पोलर कंपाउंड का हम एग्जांपल लेते हैं इधर पोलर और इधर लेते हैं नॉन पोलर, नॉन पोलर। ठीक, चलिए पोलर का एग्जांपल लेते हैं HCl और इधर लेते हैं H2। दिस इज अ नॉन पोलर कंपाउंड। अब यहाँ होता क्या है, पोलर कंपाउंड में क्या होता है, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है और एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहता है, क्योंकि इस पर निगेटिव चार्ज होता है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। बेसिकली पॉजिटिव और निगेटिव पार्शियल होता है और बहुत माइन्यूट होता है, इसलिए हम इसको पार्शियल इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ पर नॉन पोलर कंपाउंड की बात करते हैं। नॉन पोलर कंपाउंड में H, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का सेम, दोनों जो बॉन्ड होते हैं, जो दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होते हैं H2, तो क्या होते हैं, दोनों HH है। तो इस पर इसका जो प्रभाव होता है, जो इलेक्ट्रॉन पर दोनों H का सेम होता है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का प्रभाव सेम नहीं हो पाता है, क्योंकि Cl क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींच लेता है। और खींचता क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, वह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट कर लेती है, और इसी को हम करते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, किसकी तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। तो जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बेसिकली जनरेट करता है किसके लिए, कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट जनरेट करता है, कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट जनरेट करता है। अब कंजुगेशन क्या होता है, कंजुगेशन होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का टूट जाना, यानी कंजुगेशन का जो पहला बेसिक चीज है वह डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड इसका होता है डीलोकलाइजेशन, बात आती है भाई कि डीलोकलाइजेशन कौन कौन से होंगे, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर आर डीलोकलाइज। बेसिकली जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर आर डीलोकलाइज्ड। अब यहाँ सवाल आता है कि पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर क्यों डीलोकलाइज होता है, सिग्मा क्यों नहीं होता है। तो सिग्मा इसलिए नहीं होता है क्योंकि पाई अनस्टेबल होता है, और लोन पेयर क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन क्रिएट कर देता है, और रिपल्सन क्रिएट होने की वजह से यहाँ पर एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। और कोई भी कंपाउंड में अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो अनस्टेबल होगा, और एनर्जी रिलीज करके क्या करेगा, स्टेबिलिटी गेन करेगा। तो पाई एंड लोन पेयर क्या करता है, बेसिकली एक दूसरे से अवे हो जाता है। लोन पेयर मतलब क्या, दो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले, जो यानी जो इलेक्ट्रॉन बच गए केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उसी को हम लोन पेयर बोलते हैं। तो लोन पेयर और पाई बॉन्ड क्या करते हैं, डीलोकलाइज होते हैं। अब तीसरी सवाल आती है कि किसके होता है, एसएस में होता है, एस सेल में होता है, पी सेल। तो जो डीलोकलाइजेशन होता है पी सेल में होता है, और पी क्या होने चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, पी ऑर्बिटल शुड बी पैरेलल, P ऑर्बिटल शुड बी पैरेलल। अब यहाँ पर एक और इस पर भी हम आपको समझा रहे हैं, पी ऑर्बिटल क्यों सूट पैरेलल होना चाहिए। अगर यहाँ पर हम चलते हैं, मैं यहीं पर समझ लेते हैं, पी ऑर्बिटल यहाँ पर हो गए, एक ऐसा ऑर्बिटल है, क्या इसमें
कंजुगेशन होगा कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये एक ये अलग प्लेन में है, एक अलग प्लेन में है, दोनों में डी कंजुगेशन होने की कोई संभावना ही नहीं है। तो क्या होने चाहिए, पैरेलल रहेगा, तभी इसमें इलेक्ट्रॉन और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करें कंजुगेशन होंगे, और कंजुगेशन यहाँ पर तीन होंगे। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन करेगा एक बार, फिर ये वाला एक बार कंजुगेशन करेगा। तो इसी को हम कंजुगेशन से क्या होता है, रेजोनेंस का कंसेप्ट आता है। तो रेजोनेंस के कंसेप्ट हम फर्दर लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करेंगे, अभी हम कंजुगेशन को और एलेबोरेट करते हैं। चलिए अंदर एग्जाम्पल में जैसे H2O का हम लेते हैं, H2O इसको वाटर, इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो HOOH ठीक। अब यहाँ पर लेते हैं क्या होता है, यहाँ पर हाइट ऑक्सीजन के क्या होते हैं, 6 होते हैं। तो यहाँ पर ये लोन पेयर, यहाँ पर समझ गए आप, ये लोन पेयर होती हैं, या क्या करेगा, ये एक निगेटिव चार्ज हो जाएगा, इस पर पार्शियल, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ भी आपको इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट दिखाई दिया। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हर जगह होगा जहाँ जहाँ पर नन पोलर कंपाउंड बनेंगे। नन पोलर कंपाउंड के केस में नहीं होता है, क्योंकि दोनों सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को हम यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। क्या है होता है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बेसिकली नन पोलर कंपाउंड के लिए लागू होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है और एक इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट की तरफ इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, और उसके करस्पॉन्डिंग क्या होता है, कंजुगेशन का जनरेशन होता है। कंजुगेशन किसके बीच होता है, कंजुगेशन होता है डीलोकलाइजेशन, इलेक्ट्रॉन का टूटना। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, टूट जाता है एक अपना मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट की तरफ और एक मोर लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट की तरफ, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट की तरफ। तीसरी बात, दूसरी बात, पाई इलेक्ट्रॉन पाई और लोन पेयर ही डीलोकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि यह अनस्टेबल होती हैं। और थर्ड तीसरी बात, पी ऑर्बिटल शुड बी पैरेलल, यानी पी ऑर्बिटल क्या होता है, एक प्लेन में होना चाहिए, शुड बी पैरेलल या वन प्लेन। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हमने बहुत ही सिंपल वे में समझा। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए। थैंक यू।